हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसमें लास्ट में दो क्वेश्चन में आपको बता के गया था। फर्स्ट था व्हाट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए, पहला क्वेश्चन था। मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी, उनको आप एज ए डिफरेंस लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई ग्लास इज ए सुपर कोल्डेड लिक्विड, ग्लास अतिशीतित द्रव क्यों है। ये दो क्वेश्चन शायद आपने कर लिए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते भी हैं। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आज जो क्लास है उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए है। तो फर्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक वर्ड आया था प्रॉपर्टीज में, डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, और एक था कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व का मीन असतत शीतलन वक्र, हिंदी में कहते हैं असतत शीतलन वक्र, ठीक है। और कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व इसको कहते हैं हिंदी में सतत शीतलन वक्र, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, हिंदी में असतत शीतलन वक्र। कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व हिंदी में कहते हैं सतत शीतलन वक्र, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्व्स डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस है वो असतत शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्व्स कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, यानी अक्रिस्टलीय ठोस असतत शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, तो उसका मीन मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि असतत शीतलन वक्र क्या होता है। तो बेटा डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व सॉल्व्स बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज ऑन राइजिंग टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट अंटिल हॉल ऑफ द सब्सटेंस कंप्लीटली मेल्ट। कहने का मीन है कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड है जब आप उनको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उनका टेम्परेचर, उनका ताप जब तक स्थिर रहता है जब तक कि वो कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए, कंप्लीटली द्रव अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। तो मैंने कहा, दोबारा सुन ले, डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व सॉल्व्स बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज ऑन राइजिंग टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट until whole of the substance completely melt। कहने का मीन ये है कि जब आप क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो उनका टेम्परेचर तब तक स्थिर रहता है जब तक कि क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय सॉलिड पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे इनका अपन कर्व बनाए तो इनका कर्व ऐसे बनेगा, यहां पे मैंने टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने एक कर्व बनाया आपके सामने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। यहां पर आपका जो सब्सटेंस है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है। सी और डी के बिटवीन ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में। और बी और सी के बिटवीन ये सॉलिड और लिक्विड बोथ स्टेट में है। तो आप देख रहे हैं, आपने इस सॉलिड का टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, टेम्परेचर राइज किया तो इसने मेल्ट होना स्टार्ट किया, लेकिन बी और सी के बिटवीन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेट में है, सॉलिड में भी है और लिक्विड में भी है, कौन से पॉइंट के बिटवीन, बी और सी के बिटवीन। लेकिन जब ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया तो इसका टेम्परेचर वापस से राइज होने लग गया। तो मैंने यही तो कहा
कि डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व सॉल्व्स बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज ऑन राइजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट अंटिल ऑल ऑफ द सब्सटेंस कंप्लीटली मेल्ट। जब तक कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता तब तक बी और सी के बिटवीन इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। जब ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर फिर से राइज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। तो असतत शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को आप गर्म करते हैं तो ए और बी के बीच में सॉलिड स्टेट में है, लेकिन फिर उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। क्यों? क्योंकि बी और सी के बिटवीन ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुआ, क्योंकि बी और सी के बिटवीन ये सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में है। लेकिन जैसे ये कंप्लीटली मेल्ट होता है, पूरी तरह द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ये फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो दिस कूलिंग कर्व इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, हिंदी में कहते हैं असतत शीतलन वक्र। जैसे आप बात करें शुगर की, किसकी बात कर रहे हैं? शुगर की। शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 458 केल्विन। शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, शुगर का जो गलनांक है 458 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये जो बी से सी के बिटवीन टेम्परेचर है ना, दिस टेम्परेचर इज 458 केल्विन। कितना है ये? 458 केल्विन। तो 458 केल्विन पर शुगर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में है, लेकिन 458 केल्विन टेम्परेचर के बिलो यानी नीचे ये ओनली सॉलिड स्टेट में है, और 458 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर शुगर कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में है। तो ये शुगर का डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। किसकी बात कर रहे हैं? कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, सतत शीतलन वक्र। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्व्स कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉल्व्स कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, यानी क्रिस्टलीय ठोस सतत शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं। आप रीजन पूछे भाई, बिकॉज ऑन राइजिंग टेम्परेचर फर्स्ट दे बिकम सॉफ्ट एंड देन मेल्ट। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर डू नॉट रिमेन। कहने का मीन है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता जहां पे वो कॉन्स्टेंट हो जाए। कहने का मीन है कि ये यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहां भी ताप को अपन टेम्परेचर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप टेम्परेचर को राइज करेंगे तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉफ्ट होंगे फर्स्ट, देन ये मेल्ट होते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, और जब कूलिंग करते हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया जहां पे आप ये कह सकें कि टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, तो दिस कूलिंग कर्व इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। दिस कूलिंग कर्व कॉल्ड कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्व्स कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, यानी अक्रिस्टलीय ठोस सतत शीतलन वक्र प्रदर्शित करते हैं। रीजन, बिकॉज ऑन राइजिंग टेम्परेचर दे बिकम्स फर्स्ट सॉफ्ट देन दे मेल्ट। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज। टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए। तो दिस कर्व इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। इस कर्व को आप कौन सा कर्व कहेंगे? कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। तो यहां पर जब आपने इनके टेम्परेचर को, इनके ताप को बढ़ाया तो इनका ताप लगातार बढ़ता रहा और ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए चले गए। ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जहां पे टेम्परेचर को अपन कॉन्स्टेंट कह सके। जब मेल्ट करते हैं तो कंटिन्यूअसली टेम्परेचर राइज होता है, वापस कूलिंग करते हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको सामने डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व और कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व के बारे में बात की। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं एक पॉइंट और आया था आपको अगर ध्यान हो तो, एक था एनाइसोट्रॉपी और एक था आइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी, ठीक है, और एक था आइसोट्रॉपी।
एनाइसोट्रॉफी और आइसोट्रॉफी। हिंदी में कहते हैं विषम दैशिकता, हिंदी में क्या कहते हैं विषम दैशिकता, और आइसोट्रॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं सम दैशिकता। आपको ध्यान रखना है एनाइसोट्रॉपी हिंदी में विषम दैशिकता, आइसोट्रॉपी हिंदी में सम दैशिकता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। अब व्हाट इज द एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, तो देखिए ध्यान से सुनिए। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दीज टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। क्लियर हो गया, वापस से सुन लें एक बार। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी। क्लियर। अब सिमिलरली आइसोट्रॉपी की बात करें, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। क्या होते हैं आइसोट्रॉपिक। क्लियर हो गया। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोट्रॉपी उसकी बात कर लेते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस टाइप्स ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। क्लियर हो गया। हिंदी में सुन लें कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, यानी विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक होते हैं, ठीक है। और अक्रिस्टलीय सॉलिड समदैशिक होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी विषम दैशिक क्या होता है? तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य, चालकता, गलनांक इत्यादि अगर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हों तो इस प्रकार के ठोसों को विषम दैशिक कहते हैं और उनके इस गुण को हम विषम दैशिकता कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसका उल्टा कर दें, यदि अक्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणधर्म सभी दिशाओं में समान हो तो उन अक्रिस्टलीय ठोसों को समदैशिक कहते हैं और उनके इस गुण को समदैशिकता कहते हैं, और विषमदैशिक होते हैं और उनके इस गुण को विषमदैशिकता कह देते हैं। इनके इस गुण को क्या कह देते हैं? विषमदैशिकता। क्लियर हो गया दोनों डेफिनेशन। अब अपन बात करेंगे रीजन ऑफ एनाइसोट्रॉपी, विषम दैशिकता का कारण क्या है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एवरी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन देयर रेगुलर अरेंजमेंट। कहने का मीन है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रेगुलर अरेंजमेंट आर फाउंड इन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, इन बिटवीन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बिटवीन एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो मैं आपके सामने ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से।
आप देखिए टू टाइप्स के कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज है तो इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यहाँ पे दो तरह के अवयवी कण हैं जिनको नियमित व्यवस्था में मैंने दर्शा रखा है, तो ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब अपन क्या करते हैं, ए रे ऑफ लाइट को टू डायरेक्शंस में पास कराते हैं। एक डायरेक्शन अपन ने ये ले लिया ए बी डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन अपन ने ये ले लिया ये सी डी डायरेक्शन है। ये ए बी डायरेक्शन है, ये सी डी डायरेक्शन है। टू नो द रीजन ऑफ एनाइसोट्रॉपी, टू नो द रीजन ऑफ एनाइसोट्रॉपी वी पास्ड रे ऑफ लाइट इन टू डायरेक्शंस, फर्स्ट ए बी डायरेक्शन एंड सेकेंड सी डी डायरेक्शन। क्लियर? इन ए बी डायरेक्शन रे ऑफ लाइट इंटरेक्ट विद सेम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। ए बी डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट का जो इंटरेक्शन है वो सेम टाइप्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हो रहा है। इस साइड सेम टाइप्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, इस टाइप सेम टाइप्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, बट इन सी डी डायरेक्शन रे ऑफ लाइट इंटरेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। Thus, the interaction of ray with constant particles are different in different directions. So, the physical properties of crystalline solids are different in different directions. So, these are anisotropic and solves anisotropy. हिंदी में सुन ले कि ये क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कणों को एक नियमित व्यवस्था में दर्शाया गया है। यहाँ पे आपने प्रकाश पुंज को, रे ऑफ लाइट को दो दिशाओं में प्रवाहित कराया, एक ए बी दिशा है और एक सी डी दिशा है। आप देख रहे हैं ए बी दिशा में जो प्रकाश पुंज है वो सेम यानी एक ही प्रकार के अवयवी कणों के साथ अन्योन क्रिया करता है, लेकिन सी डी डायरेक्शन में जो प्रकाश पुंज है, रे ऑफ लाइट है, वो अलग अलग प्रकार के अवयवी कणों के साथ अन्योन क्रिया कर रहा है। इसलिए जो प्रकाश पुंज है उसकी अन्योन क्रिया अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो गई। यही कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं, क्लियर हो गया? ये रीजन मैंने आपको बताया एनाइसोट्रॉपी का। और आइसोट्रॉपी का रीजन क्या है? मैंने कहा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्व्स आइसोट्रॉपी, यानी अक्रिस्टलीय ठोस सम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इन ऑल डायरेक्शंस रे ऑफ लाइट इंटरेक्ट विद सेम टाइप्स ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, दस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सेम इन सेम डायरेक्शंस, सो दीज आर आइसोट्रॉपिक एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोट्रॉफी। तो एक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसमें किसी भी दिशा में आप प्रकाश पुंज को प्रवाहित करा ले तो सभी दिशाओं में प्रकाश पुंज समान प्रकार के अवयवी कणों के साथ क्रिया करता है या अन्योन क्रिया करता है, इसलिए उनके जो भौतिक गुणधर्म है वो सभी दिशाओं में समान होते हैं। ये मैंने आपके सामने क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात की, कंटिन्यूस और यानी असतत और सतत शीतलन वक्र के बारे में बात की पहले, फिर मैंने विषम दैशिकता और सम दैशिकता के बारे में बात की। तो अपना ये टॉपिक जो डिसकंटिन्यूस कूलिंग कर्व है, कंटिन्यूस कूलिंग कर्व है, एनाइसोट्रॉपी है, आइसोट्रॉपी है, वो क्लियर हो गया है। क्लियर, समझ में आ गया? अब अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ये फोर प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी डिवाइड इन फोर टाइप्स, फर्स्ट कौन सा होता है? देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड,
सेकंड कौन सा होता है? आयनिक सॉलिड। थर्ड कौन सा होता है? मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ कौन सा होता है? कोवेलेंट सॉलिड। हिंदी में सुन लें, मॉलिक्यूलर सॉलिड को आणविक ठोस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? आणविक ठोस। आयनिक सॉलिड को आयनिक ठोस कहते हैं, मेटेलिक सॉलिड को धात्विक ठोस कहते हैं, और कोवेलेंट सॉलिड को सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्लियर हो गया? फर्स्ट मैंने कहा मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस, सेकंड आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटेलिक सॉलिड धात्विक ठोस, फोर्थ कोवेलेंट सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस। क्लियर हो गया? अब मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया, फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कैन बी डिवाइड फर्दर इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ध्यान दें, आणविक ठोसों को फिर से तीन प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया गया। फर्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस, सेकंड ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इनको तीन प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया। अब हम ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? कोवेलेंट सॉलिड को एक सॉलिड और कहते हैं नेटवर्क सॉलिड, इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कौन सा? नेटवर्क सॉलिड, इन्हीं को कहा जाता है कोवेलेंट सॉलिड्स को। एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो, नेटवर्क सॉलिड्स आर कोवेलेंट सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स कौन से होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इस चार्ट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।